Minister. Sir, as we all know that degradation of land has adverse impact on, sir, degradation of land has adverse impact on biodiversity, and studies have shown that almost we lose 24,000 species globally every year, sir, because of this degradation of land. So I want to know from the Honorable Minister, has the government conducted any research or has the government done any studies to quantify the number of species we are losing, biodiverse species we are losing every year, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाता है और एक तरीके से ये अनुमानित किया गया है कि 96 मिलियन हेक्टर जमीन ये भूमि के क्षरण के कारण, ये रेगिस्तानीकरण के कारण, ये भूमि अपनी उत्पादक क्षमता के कारण प्रभावित हुई है और इसकी जो समस्या है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भूमि की उत्पादकता की कमी, वाटर इरोजन, वाटर लॉगिंग और उसके साथ साथ भूमि का खारापन भी है। भारत सरकार ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में इस बात को तय किया गया कि देश में 26 लाख मिलियन हेक्टर जमीन को हम 2030 तक सुधारेंगे और इसको लेकर के भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की एक अंतर मंत्रालय सचिवों की समिति भी बनी है और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय ने स्पेसिफिक पूछा है कि क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ किया जा रहा है। उसके साथ जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके साथ जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा अटल भूजल योजना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, PMSKY कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा PMSKY इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा अटल मिशन एंड रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा द ग्रीन हाईवे पॉलिसी और इन सब के समन्वित सचिवों की एक बैठक भी हुई है। पिछली बार भी एक बैठक हो चुकी है और समन्वित रूप से सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक 26 लाख मिलियन हेक्टर जमीन को इस डिग्रेडेशन से बचाया जाएगा उसके लिए समन्वित रूप से कार्य हो रहा है। सर, सर, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट थ्रू योरसेल्फ, सर, द मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट protecting the degraded land. I'm talking about biospecies loss, sir. I want to know specifically if there has been any study or quantified, I mean, the study which has quantified the species lost because of this biodegradation of land. And I would like to know what steps the government is taking specifically to protect wetlands, sir. All the schemes the minister is talking is about inland, sir. I'm talking about wetlands also. These wetlands act as carbon sinks. So I want to know specifically what government is taking, what steps the government is taking to protect the wetlands. And my previous question also is not answered, sir. I asked about the biospecies lost in the country. So is there any study which has quantified them? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, ये सच है कि जब किसी भी भूमि का डिग्रेडेशन होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो जैव विविधता वाली जैव प्रजातियाँ हैं वह प्रजातियाँ भी समाप्त होती हैं। ये जो ज़मीन को विभिन्न स्कीम के अंतर्गत जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो उसकी उर्वरक क्षमता और उसकी जैव विविध प्रजातियों के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे को जो जैव विविधता बचाने के लिए इस प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी सरकार कुछ विषयों पर विचार करके इसको पूरी तत्परता के साथ। थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वेदर इट इज फैक्ट दैट द यूसेज ऑफ I-64 फॉर्मेशन हैज शोन ए अर्ली रिकवरी, शॉर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे एक्सेट्रा, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, वेदर इट इज फैक्ट दैट देयर आर स्टिल bottlenecks production and distribution of ice. Respected speaker sir, Ayush 64 and particularly
Now it has been proved that the person who is suffering from coronavirus, the mild and moderate and asymptomatic, this particular Ayush 64, whoever has consumed it, they got the relief. So this is already scientifically proved. Thank you.